गाइस ये देखो मेरे हेयर्स देखो कितने फ्रीजी फ्रीजी है ना, और आज मैं इसमें भिंडी वाला हैक करूंगी। फर्स्ट मैंने भिंडी लिया, उसे ग्राइंड कर दिया। भिंडी को पहले मैंने बॉईल किया, फिर उसे ठंडा होने दिया, फिर भिंडी को ग्राइंड कर दिया है ना, और उसका पेस्ट निकाल के उसे एक कॉटन के कपड़े से छान दिया। छान के ऐसा सा पेस्ट बनाया और इसमें थोड़ा सा कंडीशनर मिलाया, मैंने वो का मिलाया, आप देख लेना आप किसका मिलाओगे। और ये भिंडी वाला पानी है, इसमें भी थोड़ा सा चिकनाई चिकनाई सी है, इसको मैं अपने हेयर्स पर लगाऊंगी और आपको बाद में दिखाऊंगी। ओके ठीक है, ये पेस्ट बनके रेडी हुआ है और मैं अब इसे लूंगी थोड़ा सा और अपने हेयर्स पर अप्लाई करूंगी कुछ ऐसे, एक हेयर्स करके इसमें स्ट्रेट रखना है। ठीक है, ऐसे बाल को टाई मत करना, जब ये लगाओगे तो स्ट्रेट ही रखना, ऐसे ऐसे करके सारे बालों में लगा देंगे। ठीक है, और फिर आपको ऐसी कंघी लेनी है और धीरे धीरे करके मैं बालों को सुलझाना है। ओके, ऐसे सारे हेयर्स को आप ऐसे सुलझा दो। लग के कुछ ऐसा सा दिख रहा है, बहुत लोग ट्राई करे थे तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। इसका रिजल्ट थोड़ी देर में देखेंगे कैसा आता है। मैंने हेयर्स सुलझा दिए हैं और इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है, उसके बाद वॉश कर देंगे। और ये है मेरे हेयर्स, मैंने वो भिंडी वाला हेयर कर लिया और ये बिल्कुल सिल्की हो चुकी है, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग भी ट्राई करें भिंडी वाला हेयर। ओके,